हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले क्लास टेंथ का साइंस पार्ट वन का सेकंड चैप्टर जो कि पीरियोडिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम फर्स्ट लेक्चर आज लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, डोबिनेंट ट्रेड रूल क्या होता है, और अपना न्यूलैंड का एक्टिव लॉ क्या होता है, और मेंडली पीरियोडिक जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है उसके मेरिट और डी मेरिट मतलब अच्छाई और खराबी देखने वाले हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट चैप्टर जो ग्रेविटेशन है उसको आप लोग नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमने उस पर्टिकुलर चैप्टर का 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। 7 लेक्चर में एकदम कंसेप्ट नॉलेज देने की कोशिश की है। आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम आज फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखते हैं क्या है। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑफ ओनली वन टाइप। हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में एलिमेंट का कुछ टॉपिक पढ़ के आए हैं। हमने उसमें देखे थे कि सिर्फ एलिमेंट एक प्रकार के ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। टूडे 118 एलिमेंट्स आर नो टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। आज के समय में 118 एलिमेंट साइंटिफिक वर्ल्ड में हैं। आगे क्या है। हाउ वेयर अराउंड ईयर 1800 वर्ली अबाउट 13 एलिमेंट्स वेयर वर्ली। सन 1800 में सिर्फ उस समय 30 ही एलिमेंट्स पूरे वर्ल्ड पे पाए जाते थे। आगे मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेयर डिस्कवरीड इन द कोर्स ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा जो मोर नंबर एलिमेंट है उसकी डिस्कवरी एक कोर्स के टाइम के द्वारा की गई हुई थी। मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स वॉज गैदरेड टू ईजी द स्टडी ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ एनी इन द वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद साइंटिस्टों को एक ईजी स्टडी मटेरियल मिला, और वो भी एक लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट में मिला। तो जितने साइंटिस्ट थे उसी पैटर्न पे वो सब उसके ऊपर स्टडी करना मतलब रिसर्च करना चालू किए। तो उनको मालूम चला कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वेस्ट निकली, किसी काम की नहीं निकली। आगे क्या, यू नो दैट इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्योंकि ये जितने सारे एलिमेंट उस समय मिले थे तो वो इनिशियल फेज, इनिशियल मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग फेज। तो स्टार्टिंग फेज में जितने भी एलिमेंट्स मिले थे उसको क्लासीफाई किया जा रहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे क्या है, लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स आर नोटिस्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ और समय के बाद और एलिमेंट मिले तो सब एलिमेंट में प्रकार देखे कि एक मेटलॉइड प्रकार का भी एलिमेंट उसमें पाया जा रहा था। फिर हैज़ द नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वेंट ऑन इंक्रीजिंग। डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राई आउट डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद एलिमेंट की बहुत सारे नॉलेज मिलने लगे, प्रॉपर्टीज मिलने लगी और मतलब लगातार एलिमेंट जो था इंक्रीज होने लगा। तो बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए कि एलिमेंट्स को हम क्लासिफिकेशन करके बताएं। क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को एक अलग अलग कैटेगरी में बांट देना, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिसके बाद बहुत बहुत साइंटिस्ट आए, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट फेल भी हो गए। और उस साइंटिस्टों के रेस में सबसे टॉप पे चल रहे थे हमारे डोबिनायर ट्रेड। ये भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोबिनायर। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का टॉपिक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि एलिमेंट एक प्रकार के होते हैं, और आज के समय में टोटल 118 एलिमेंट पूरे वर्ल्ड में है। और आज से मतलब जैसे 2022 चल रहा है, वैसे सन 1800 में केवल 30 एलिमेंट थे। बाद में कुछ एलिमेंट के प्रॉपर्टी मिले साइंटिस्टों ने, उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया, फिर वो एक पैटर्न से जा रहे थे। लेकिन उनको फिर पता चला कि सारे उनके इन्फॉर्मेशन जो थे वो वेस्ट निकले। उसके बाद एक चीज़ और नोटिस किया गया जो कि क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन था वो मेटल और नॉन मेटल के ऊपर करने लगे। फिर आगे चल के उनको जब जैसे जैसे अपना ये एलिमेंट्स
का प्रोडक्शन इंक्रीज होते गया तो आगे चल के उनको एक मेटल ऑयड्स का भी प्रकार मिला। तो सब बोले ठीक है भाई एक मेटल ऑयड्स भी रहेगा, लेकिन और आगे चल के और उनको एलिमेंट का नॉलेज मिला, बहुत सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज मिले, तो उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, और जो कि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट विफल भी रहे, मतलब वो सक्सेस नहीं पाए। सक्सेस ना पाने वाले में सबसे पहले साइंटिस्ट है डॉबिन आयर ट्रेड। देखते हैं इनका क्या है कि ये किस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे थे। आओ देखते हैं। इन द ईयर 1817 अ जर्मन साइंटिस्ट डॉबिन आयर, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ये 1817 में ये बॉर्न हुए थे, सजेस्ट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक मासेस। इन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है उसके जो एटॉमिक मास नंबर है उसके हिसाब से हम रखेंगे। फिर ही मेड ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्राइड्स। तो इन्होंने क्या बताया कि हम तीन एलिमेंट्स को लेंगे वो भी सिमिलर जिसका केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा। इसको ध्यान से समझो, हम कोई भी तीन एलिमेंट रहेंगे लेकिन एक कंडीशन क्या है, उसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रहेंगे तब हम उसे तीन एलिमेंट लेंगे, यही डॉबिन आयर ट्रेड रूल है। आगे देखते हैं। ही अरेंज एंड थ्री एलिमेंट्स इन अ ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमॉस्फेरिक मासेस एंड सो दैट द एटमॉस्फेरिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मेन ऑफ द एटमॉस्फेरिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स हाउएवर ऑल द नो एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द डॉबिन आयर ट्रेड। तो ये भाई साहब जो हमारे डॉबिन आयर जो थे डॉबिन आयर ट्रेड साइंटिस्ट, ये कुछ ज़्यादा ही होशियार अपने आप को बनते थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखो इन्होंने आए तो इन्होंने क्लासीफाई चालू करना किया, तो इन्होंने क्लासीफाई किस तरीके से किया अगर आप भी सुनोगे तो बोलोगे क्या बात है भाई ये साइंटिस्ट था। तो देखते हैं जो डॉबिन आयर साइंटिस्ट थे बोल रहे थे कि हम तीन एलिमेंट लेंगे और तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा वो सिमिलर रहेगा। तो इन्होंने तीन एलिमेंट तो लिया लेकिन इनका कंडीशन क्या था, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को प्लस करके टू से डिवाइड कर देंगे तो हमें बीच वाले एलिमेंट का एटमॉस्फेरिक मास नंबर मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिथियम सोडियम पोटासियम को तीन एलिमेंट लिया गया, तो लिथियम का एटमॉस्फेरिक मास नंबर 6.9 था और पोटासियम का 39.1 था। अगर आप ये दोनों को प्लस करके अगर डिवाइड करो तो 23 मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने लिथियम सोडियम पोटासियम का अगर किया तो इनको सोडियम का एटमॉस्फेरिक मास मिल गया। फिर इन्होंने क्या किया, कैल्शियम स्ट्रोनिडियम और बेरियम का करने की कोशिश की तो इनको आंसर क्या मिला, 87.6। यहाँ पे इनका डॉबिन आयर ट्रेड रूल फेल हो गया क्योंकि कोई किसी भी चीज़ का एटमॉस्फेरिक मासेस नंबर डेसिमल में नहीं आएगा, वो हरदम एक नंबर में ही आएगा जिस तरीके से सोडियम का था। तो इनको सारे वर्ल्ड ने बोले देख भैया तो उसे इक्वल ना होए वाला तो जा घरे, तो इसके तो डॉबिन आयर ट्रेड रूल तो हो गया फेल। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ये तो भाई इनसे भी महान थे, इनके भी चर्चा देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं आपको ये जिसमें जो लिखा है मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट मतलब ये एक इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स और ये 1867 में न्यूलैंड्स में पैदा हुए थे। एक इंग्लैंड में एक जगह का नाम है न्यूलैंड्स, तो उसी के हिसाब से इनका नाम ही रख दिया गया कि जॉन न्यूलैंड्स। तो 1816 में इन्होंने बॉर्न हुए थे। इनका क्या कहनाम था, आपको अगर हमारे भारत का जो पहले ज़माने का जो मतलब गाने का टोन था अगर आपको मालूम होगा तो ये उसके हिसाब से एटमॉस्फेरिक मासेस को अरेंज करने जा रहे थे। देखते हैं क्या है, देखिएगा जैसा कि हमारे पुराने ज़माने की पिक्चर में आप देखेंगे तो ऐसे हम लोग जैसे कि संस्कृत गाने में ऐसे ये देखा जाता है सा रे गा मा प द नी, तो मतलब ये जो 8 टोन है ये तो हम इंडियंस के, ये जो इंग्लैंड वाले थे इनका भी अलग टोन था। इनका क्या टोन था, डू रे मी फा सो ला थी, ये इनके टोन थे भाई इंग्लैंड वाले का टोन था। क्या था, डू री मी फा सो ला थी, इसके हिसाब से अरेंज करने चले थे और ये भी मार खा गए। देखते हैं कैसे, देखते हैं
इन्होंने क्या काम किया, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको आइए मैं इसमें समझा देता हूँ उधर क्या देखेंगे। इनका क्या कहना था कि ये आप 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। तो इनका क्या नाम था कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, दिख रहा है कि नहीं 7, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने एलिमेंट्स रहेंगे बाद में उसका एटमों की मासेस इसका सेम होना चाहिए, इसका जो एटमों की मासेस रहेगा इसके लमसम लमसम रहेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द 18th एंड द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट एलिमेंट हैज द मेनी लिमिनेशंस वॉज फाउंड इन न्यूलैंड एक्टिव। यही इनका लॉ था। इनका लॉ क्या था, जो पहला एलिमेंट रहेगा और जो आठवां जो एलिमेंट रहेगा इसमें बहुत एलिमिनेशन रहेंगे। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे ठीक है हाइड्रोजन लिथियम, क्या यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लिथियम बेरियम ब्रॉन कार्बन सोडियम ऑक्सीजन फोलरीन सोडियम सॉरी यहाँ पे वहाँ पे नाइट्रोजन ये सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर कैल्शियम पोटासियम सॉरी ये कोलरीन है, ये क्या ये कोलरीन है, पोटासियम है, ये अपना ये कैल्शियम है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हैं, आगे आप लोग को इसका एक टेबल भी मिलेगा, वो आप लोग याद कर लेना तो आपको भी नाम सारे याद हो जाएंगे। तो ये जो है इन्होंने अरेंज किया, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बराबर अरेंज हुआ, यहाँ भी बराबर अरेंज हुआ, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आठवें नंबर पर रिपीट होगा, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आठवें पर रिपीट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एक 9 भी आ गया। यहाँ पे इनका जो न्यू लैंड और लॉ ऑफ एक्टिव था ये यहाँ इनका फेल हो गया। इनका यहाँ पे क्या हुआ, ये लॉ इनका फेल हो गया, ये लॉ इनका किसी काम का इधर नहीं बचा। न्यू लैंड जो हमारे साइंटिस्ट थे ये भी फेल हो गए, और क्या कहेंगे। फिर देखिए अभी तक 2 साइंटिस्ट फेल हो चुके क्लासिफिकेशन एलिमेंट को नहीं कर पाए, कौन कौन से, पहला साइंटिस्ट जो थे डोबिनाइट्रेड और दूसरा साइंटिस्ट थे न्यूलैंड एक्टिव। अब थर्ड साइंटिस्ट आए हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये साइंटिस्ट ने कोशिश की थी और कुछ ये कुछ दूर तक सफलता के प्राप्ति थे। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। द रशियन साइंटिस्ट क्या फिर से लिखा है, द रशियन साइंटिस्ट दिमरित मेंडलीव डेवलप द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 1869 to 1872। एड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो मेंडलीव थे ये एक रशियन साइंटिस्ट है, इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया था, उनको डेवलप करने में टोटल 4 साल का टाइम लगा था, 1869 से लेकर 1872 तक इन्होंने इसको डेवलप करके तैयार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट था कि ये क्लासिफिकेशन के स्टेप में हेल्प करता। तो आगे देखते क्या मेंडलीव दिखने नहीं रहा आप लोग को, एक सेकेंड दिखेगा हाँ अब दिखेगा शायद। मेंडलीव कंसाइडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स नेमली द एटमोकी मासेस स्टैंडर्ड आर अरेंज 63 एलिमेंट्स नो एट द टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटमोकी मासेस। जो मेंडलीव थे इन्होंने अपने उस टेबल के हिसाब से कंसाइडर किया और जितने भी प्रॉपर्टी के जो फंडामेंटल थे जैसे एलिमेंट्स नेमली एटमोकी मासेस सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखे, इन्होंने 63 एलिमेंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंज कर दिया। कितने एलिमेंट्स को, 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज कर दिया, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, उस हिसाब से इन्होंने 63 एलिमेंट को 63 एलिमेंट को इन्होंने पूरी तरीके से अरेंज कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, देन ही ट्रांसफरेड दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इज अकॉर्डिंग विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिस एलिमेंट। इनका जो ये टेबल था वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बनाया गया हुआ था। अब इनका जो टेबल था भाई वो भी देखने वाली बात बनती है कि इनका क्या टेबल था ऐसा कि भाई साहब हिट हो गए। फिर देखते हैं मेंडलीव ऑर्गेनाइज्ड द, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट। मेंडलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ओनली द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट दिस वेयर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ
हाइड्राइड्स एंड ऑक्सीडाइज ऑफ द एलिमेंट्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज ऑफ द एलिमेंट एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्सीडाइज मेनली फाउंड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ डिफाइंड इंटरवल ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेनली स्टेट द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ। देखिए इनके जो टेबल थे ये एक लॉ के हिसाब से फॉलो करते थे, लेकिन देखिए भाई इनके भी टेबल में सब लोग बहाना निकाली थी, इनका भी टेबल उतना सक्सेस नहीं रहा, लेकिन कुछ परसेंटेज तो सक्सेस था, लगभग 50% तक इनको माना गया कि कामयाब हो चुके थे। इनका जो टेबल था इनके टेबल में खराबी आ गई। अब खराबी क्या आ गई भाई, वो भी देखने वाली बात है। खराबी आई लेकिन क्या आई वो भी तो मालूम रहना चाहिए हम लोग को। आप इधर देखिए, आप ये रो देखिए, यहाँ पे सिंगल 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 नंबर है, और ये रो देखिए यहाँ पे यहाँ पे चार चार एलिमेंट लिया हुआ है, यहाँ भी चार लिया गया, यहाँ भी चार लिया गया, इस वजह से इनके इस टेबल को सब लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि इस टेबल के कुछ मेरिट थे और डीमेरिट थे। मेरिट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की अच्छाई बताना, और डीमेरिट क्या होता है, किसी भी चीज़ की बुराई बताना। क्योंकि आज की दुनिया में जो भी चीज़ हो उसकी कुछ तो अच्छाई है, कुछ तो खराबियां होंगी, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो सकता और 100% कोई भी चीज़ गलत भी नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो साइंटिस्ट है इनका इंट्रोडक्शन हमने नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं फिर इसके मेरिट हम लोग आपको बताते हैं। दिमरित मेंडलीफ 1834-1907 वॉज द प्रोफेसर इन द एस टी एपिस्ट्रेब्रुंग यूनिवर्सिटीज। ही मेड सेपरेट कार्ड ऑफ एवरी नो एलिमेंट्स ओ इज एटमोकी मासेज। ही अरेंज द कार्ड्स इन अकॉर्डिंग विद द एटमोकी मासेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच रिजल्ट इन द इन्वेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये जो साइंटिस्ट हैं ये 1834 में बॉर्न हुए थे और 1907 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये पेशे से एक प्रोफेसर थे, मतलब है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे लोग को लेक्चर देते थे। ये एटमोकी मासेस के कार्ड को अरेंज किया करते थे, और वो भी अपने प्रॉपर्टीज से साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल पे भी काम किया करते थे। अब आइए मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है इसको सीख लेते हैं। कि इस टेबल के कुछ तो मेरिट है, मेरिट मतलब किसी भी चीज़ की अच्छाई बताना, उसी को हम मेरिट कहते हैं। तो मेरिट क्या, यहाँ पर देखिए लिखा है इनका, आप लोग ये जो मैं आपको बोलूँगा अभी इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिखते भी रहना, क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। ये अगर आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि हम लोग को प्रीलियम में डीमेरिट पूछा था तो हम लोग लिखे थे, तो मुझे 2.5 मार्क्स था मिला। तो देखते हैं इसमें ये पूरा पॉइंट फर्स्ट लिखते हैं मत भेजना, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है देखिए। द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटमोकी मासेस ऑफ ब्रिलियम 14.09 वॉज टेन टू द करेक्ट वैल्यू 99.4 एंड ब्रिलियम वॉज प्लेस बिफोर बॉर्न। एक एलिमेंट था जिसका नाम था ब्रिलियम, उसका पहले जो एटमोकी मास नंबर था 14.09 था, उसको इन्होंने चेंज करके उसकी करेंट वैल्यू दे दी 9.4 का एटमोकी मासेस का जो करेंट वैल्यू दे दिए, वो भी बॉर्न के जगह पे। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये हो गया मेरिट। ये सब आप लोग लिखते चलिए अपने नोटबुक में, ये सब मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो हो सके दोबारा बताऊँगा। अब पॉइंट नंबर सेकंड जो बोलूँगा वही लिखना, सब मत लिखते बैठो, नहीं तो बोलोगे कितना पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ दिस अननोन एलिमेंट्स वेयर गिवन इन द नेम्स इका ब्रोन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। एक चीज़ इनके टेबल से और फायदा हुआ कि हमें एक तीन नाम और मिल गए, कौन कौन सा, इका ब्रॉन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन, ये भी आप लिखते चलिए। फिर फॉर्म द नोन निगा बोरिस एंड द एटमोकी मासेस वेयर इंडिकेट हैज 44, 60 and 72 रिस्पेक्टिवली। ये सब जो थे इनके नंबर भी दिए 44, 60 and 72, ये इनके जो थे मेरिट्स थे। सिर्फ इतना ही लिखना है, पूरा पॉइंट मत लिखना, अगर नहीं लिख सकते तो आप लोग अंडरलाइन कर लेना है, बाद में लिख लेना, लेकिन नोट्स जरूर बनाना है। फिर यहाँ पे कहता है एक और इसमें ही है, लेट ऑन दिस एलिमेंट्स वेयर डिस्कवरीड एंड नेमड एज स्कैंडियम एस सी, गैलियम जी ए एंड जर्मेनियम जी। और इन्होंने तीन और एलिमेंट के शॉर्ट फॉर्म भी बताए और उसके प्रॉपर्टीज बताई, ये थी। सिर्फ आप ये लिख दोगे ना, प्रॉपर्टी भी नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स सॉरी मिल जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट 1 मार्क्स लिया जाता है इसका। और मेरिट का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे देखिए लिखा है देयर वॉज अ नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। और
बहुत सारे साइंटिस्टों ने आए किए, लेकिन इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए भी एक व्यवस्था की। यहाँ पर देखिए लिखा है, देखने नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे रहता हूँ। मेंडलिफ क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच नोबल गैसेज वेयर फिटेड वेल। मतलब इन्होंने एक जीरो ग्रुप भी तैयार किया बिना किसी के डिस्टर्बिंग के, जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया और जीरो ग्रुप तैयार कर दिया। ये इसके तीन मेरिट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखना है, ब्रिलियम का पहले का वैल्यू 14.09 एटमॉस्फेरिक मासेस था, उसको इन्होंने चेंज करके करेक्ट वैल्यू 9.4 दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, इका ब्रॉन इका एल्युमिनियम इका सिलिकॉन का एटमॉस्फेरिक मास दिया 44, 68, 72। उसके बाद इन्होंने स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को दिया। फिर पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, इन्होंने नोबल गैस तैयार किया मेंडलिफ ने ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में, और एक खास बात उसमें क्या होगी, इन्होंने जीरो ग्रुप को तैयार किया लेकिन बिना किसी डिस्टर्बिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज पढ़ लेते हैं अभी हमने उसकी अच्छाई पढ़ी, उसकी कुछ खराबियां भी पढ़ लेते हैं, डी मेरिट पढ़ लेंगे तो आज के इस लेक्चर को हम एंड कर देंगे। ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है, देखते हैं। डी मेरिट में भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, डी मेरिट तो और इजी है। पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है, द होल नंबर एटमॉस्फेरिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट CO एंड निकाइल इन द सेम देयर फॉर देयर वॉज रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल। ये जो एलिमेंट्स है कोबाल्ट निकाइल, इनका जो इन्होंने जो सीक्वेंस जो मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल तैयार किए थे, उन्होंने सीक्वेंस में इनको रखा लेकिन इनको होल नंबर में रखा, जो कि ये परफेक्ट नहीं बैठे। सबसे पहला चीज़ इनकी ख़राबी इनके टेबल से ये निकली। सेकंड चीज़ क्या निकली कि आइसोटॉप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंटली पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल, वो तो फालतू था, यहाँ से मैंने हैज़ आइसोटॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक मासेस आर चैलेंज वॉज पोस्टेड इन प्लेसिंग देम इन मेंटली पीरियोडिक टेबल। इनका मतलब इनका जो दूसरा पॉइंट जो था जो डी मेरिट निकला, कि जो आइसोटॉप्स थे उनके जो आइसोटॉप्स थे और उसके जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थे उसको भी उन्होंने डिफरेंट मास दे दिया, तो इनका ये दूसरी खराबी निकली गई। और इनका तीसरी खराबी क्या थी उसको भी थोड़ा नज़र डालते हैं। वैन एलिमेंट्स आर अरेंजेड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमॉस्फेरिक मासेस, द राइज इन एटमॉस्फेरिक मासेस डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्टेड हाउ मेनी एलिमेंट्स कॉल्ड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। इन्होंने इनकी टेबल की खराबी और क्या निकली कि इन्होंने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिपेंड, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो इन्होंने अरेंज किया था कि एक से बढ़ के जिन्होंने इसको अरेंज किया था, उसमें ही खराबी निकल गई। क्यों उसमें खराबी निकल गई कि भाई जब सपोज आप लोग कहीं बैठे हो, बोलोगे जब आप कुछ बता रहे हो भाई इसके बाद ये होगा, चार लोग के बीच यहाँ बैठे हो, आप बोलो उसको इसके बाद ये होगा, आप ऑर्डर उसको 10 साल का हिसाब किताब दे दिए, वो बोलेगा अच्छा भाई एक बात बता, तू इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकता है कि 10 साल में यही होगा। देखो यहाँ पे लिखा है प्रिडिक्टेड, मतलब तू इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकता है कि यही होगा। सीधी सी बात है भाई, कभी कभी हमारा सोचा हुआ नहीं होता, हमारा प्रिडिक्टेड नहीं होता, तो वो चीज़ वो जो हमने जो उसको लंबा चौड़ा भाषण दिया वो तो सब खत्म हो जाएगा, तो उसी को जो डिस्कवरी दिया गया। इस वजह से इनका तीसरा जो पॉइंट है ये डीमेरिट में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए, कहाँ तक जाएगा आपको कुछ पता भी है भाई साहब, मेंडलिफ जी आपको पता है इसका अंत कहाँ है, नहीं ना, तो कैसे इंक्रीजिंग में दे दिए, बोला भैया एकदम। फिर जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या हुआ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है उसके साथ छिड़कानी करा दी, उसको उठा के उधर फेंक दिए, उसको उधर फेंक दिए, तो इसलिए चौथा पॉइंट यही बनता है। चौथा पॉइंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यही होता है कि इन्होंने एलिमेंट के साथ छिड़कानी किया था, हाइड्रोजन को उठा के पहले लास्ट नंबर पर रखा, फिर बीच में लाया, फिर ऐसे ऐसे करते उसको कहीं कोपचे में डाल दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डी मेरिट टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समझ में आया होगा, डॉबेनायर ट्रेड रूल समझ में आया होगा, न्यूलैंड ऑफ फैक्टिव समझ में आया होगा, और साथ ही साथ मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से बनाया गया, कितने साल का उसमें समय लगा, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हुई, किस ऑर्डर में उसे तैयार किया गया, और आप लोग को मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स और डी मेरिट भी समझ में आया होगा, मतलब अच्छाई और खराबी भी समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट लेसन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इन टॉपिकों में से भी आपको कुछ डाउट हो
या तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना डाउट पूछ सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का, वहाँ भी जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम सीखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एक नया टेबल भी बनाया था। तो इसलिए आप लोग कल का दिन इंतजार कीजिए, आप लोग को कल सेकेंड वीडियो मिलेगा और उसी के बेसिस पर रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।